अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बियॉन्ड द किचन में आपका वेलकम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और झटपट से तैयार होने वाला मीठा, जिसके लिए हमने आधा लीटर दूध लिए हैं, फ्रेश क्रीम है एक पैकेट, कैरामिल के पैकेट पाउडर दो है, मिक्स फ्रूट एक प्याली, ड्राई फ्रूट ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें ना चाहे तो ना डालें, और ब्रेड स्लाइस दो है जिसके हमने छोटी साइज़ के तकरीबन आधा इंच के पीसेस किए हैं और साइड्स निकाल लिए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम ब्रेड जो हमने छोटे पीसेस करके रखे हैं उनको फ्राई करेंगे। तेल ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं लेना है, मीडियम से भी कम गर्म होना चाहिए तेल, क्योंकि जब आप ब्रेड डालेंगे इसमें तो ये बाहर से तो फ़ौरन से लाल हो जाएगा पर अंदर से पूरा तेल अंदर सोख कर लेगा। ये इसके लिए तेल हल्का ही गर्म होगा, उस वक्त हमने ब्रेड डालना है अंदर, सिर्फ हल्की फ्लेम पे ही फ्राई करना है। जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए ब्रेड जो है अच्छी तरह से हो चुके हैं, हमने फ्लेम को ऑफ कर लिया है, ये बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, अंदर तक क्रंची हो जाएगी। ये देखिए ब्रेड हमने जो है फ्राई कर लिए है, आप देख सकते हैं ये कितने क्रिस्पी है, ये बिल्कुल अंदर तक इसी तरह से होना चाहिए। अब जो है हम एक बर्तन में दूध लेंगे, अब जो है हम इसमें कैरमल पाउडर डालेंगे, इसे पकाना है हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे हम इसे। दस मिनट पकाना है इसे। देखिए कैरमल को पकते जो 10 मिनट हो चुके हैं, हमने फ्लेम को ऑफ कर लिया है, अब हम इसे इसी बर्तन में सेट होने देंगे। देखिए कैरमल जो है सेट हो चुका है, हमें ऐसा ही चाहिए था। अब जो है हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे, अब जो हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे एक पैकेट, एक पैकेट ये जो कैरामलाइज शुगर है वो डालेंगे, अब जो हम इसे बीटर से बीट कर लेंगे। देखिए ये कैरमल जो है हो चुका है, क्रीमी फॉर्म में तैयार है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें जो हमने ब्रेड फ्राई करके रखे थे वो डालेंगे, ब्रेड को हमने टिश्यू पेपर पर रखे, इसका तेल अच्छे से निकाल लिया है। मिक्स कर ले, बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ड्राई फ्रूट डालेंगे, अब ड्राई फ्रूट जो ऑप्शनल है। साथ ही ये जो मिक्स फ्रूट है वो डालेंगे, ये हमने जो बाज़ार में मिलता है कैन वो यूज़ किया है, फ्रेश नहीं है ये।
अब जो हम इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरेमल मिक्स फ्रूट डिलाइट जो है तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।